हेलो स्टूडेंट्स, इट्स योर चैप्टर नंबर 3, डीप वाटर। डीप वाटर इन द सेंस गहरा पानी। इसके जो ऑथर हैं वो हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस के अबाउट विलियम डगलस ये स्टोरी बताई गई है। एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ध्यान से समझिएगा। यह घटना उस समय की है जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। विलियम डगलस अपने बारे में बता रहे हैं कि जो इंसिडेंस था वह जब मैं 10 और 11 वर्ष का था तब का है। मैंने तैरना सीखने का संकल्प लिया था राज्य में YMCA। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है YMCA। इसका फुल फॉर्म होता है YMCA का फुल फॉर्म यहाँ पर नहीं इन्होंने मेंशन किया है, बट इसका फुल फॉर्म होता है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। नाम की संस्था के पास एक सरोवर था जो इस तरह का मौका देती थी। याकिमा नदी में जो इनका एक इन्होंने तैरना जब सीखा था तो वो याकिमा नदी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। माँ मुझे इसके बारे में सावधान करती रहती थी तथा नदी में डूबने वालों के बारे में बताकर मेरे दिमाग को ताज़ा रखती थी। लेकिन YMCA वाला सरोवर सुरक्षित था। यह कम गहराई वाली तरफ से केवल 2 या 3 फुट गहरा था। यह कम पानी की गहराई धीरे धीरे पड़ती थी। मैं वाटर विक्स भरे प्लास्टिक बैग जिससे नए तैरने वालों को सीखने में मदद का एक जोड़ा लिया और सरोवर की तरफ चला गया। मुझे इसमें कपड़े उतारकर चलना और अपनी पतली टांगों को दिखाना अच्छा नहीं लगता था, फिर भी मैं अपनी गर्व वाली भावना को नियंत्रित किया और वहाँ जाने लगा। वैसे तो शुरू से ही मुझे पानी के प्रति एक घृणा सी होती थी, नफरत होती थी उनको पानी से। ही हेट्स वाटर। जब मैं इसमें पांव रखता था तब पैर रखता था, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था तब से यह बात मेरे मन में थी और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर लेकर गए हुए थे। वो और मैं झाग वाले किनारे के पानी में इकट्ठे खड़े हुए थे। मैं उनके साथ लिपटा हुआ था, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर से निकल गई। मैं पानी में दब गया था, मेरी सांस खत्म हो रही थी। मैं इस तरह से डर गया था जैसे मुझे भयभीत स्वप्न ने घेर लिया हो। पिताजी हंस दिए, लेकिन लहरों के गिराने वाली शक्ति को देखकर मेरे अंदर भय समा गया। इट्स नेक्स्ट पैरा। YMCA वाले स्विमिंग पूल के साथ मेरे परिचय ने मेरी दुखद यादों को भी फिर से ताज़ा कर दिया था और मेरे बचपन वाले डर को फिर से जागृत कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही मैंने अपना विश्वास जुटा लिया। मैं अपने नए वाटर विंग्स की सहायता से अन्य लड़कों को देखकर पैर चलाने लगा। मैंने अलग अलग दिनों में 2 से 3 बार ऐसा किया और पानी में सुखद अनुभव महसूस किया। जब मैंने सुखद महसूस किया तब एक दुर्घटना हो गई। जब मैं सरोवर पर गया तो वहाँ कोई नहीं था। जगह शांत थी, पानी स्थिर था और टाइलों वाला तल उतना ही सफ़ेद और साफ लग रहा था जितना कि बाथ टब होता है। मैं पानी के अंदर अकेला जाने से डरता था, इसीलिए मैं दूसरों का इंतज़ार करती हुई सरोवर के किनारे बैठ गया। नेक्स्ट पोस्चर। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम।
व्याख्या से। मुझे वहां बैठे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि एक धौंस जमाने वाला एक लड़का अंदर आया। उसकी आयु लगभग 18 वर्ष की ही रही थी। उसकी छाती पर घने बाल थे। वह शारीरिक रूप से सुंदर दिख रहा था। उसकी टांगों और बालों के ऊपर उभरी हुई मांसपेशियां थीं। वह जोर से बोला, अरे पतलू, तुम्हें डुबकी लगाना कैसा लगेगा। ऐसा कहते हुए वह मुझे ऊपर उठाया और गहरे छोर की तरफ अंदर उछाल दिया। मैं बैठे हुए स्थिति में ही अंदर जा गिरा। मेरे अंदर कुछ पानी चला गया था और मैं तुरंत नीचे तल की ओर चल दिया। मैं डर गया था, लेकिन इतना नहीं कि कुछ समझ ही ना आ सके। नीचे जाते हुए मेरे अंदर एक विचार आ गया, जब मेरे पांव नीचे तल के साथ जा लगेंगे तब मैं एक ज़ोरदार छलांग लगाऊंगा, सतह पर जाऊंगा, इस पर चित पड़ा रहूंगा और पैर मारता हुआ सरोवर के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। आफ्टर दैट आपका यहाँ से है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगी। तब तक आपके लिए ये चीज़ें पढ़नी हैं, एक्सप्लेनेशन को समझना है और चैप्टर नंबर 2 तक जो हमारा हो चुका है वो आपको लर्न करना है। ओके गाइस, फॉर स्टे सेफ, फॉर टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।